हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्वजां चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मा आवह। प्यारे मित्रों, जय सियाराम, जय माता दी। मित्रों, आज हम चर्चा करें आपसे कि व्यक्ति अनेक प्रकार से मेहनत करता है, सुबह से शाम तक मेहनत करता है, परंतु उसको जो लाभ, जो परिणाम प्राप्त होने चाहिए, वो परिणाम उसको प्राप्त नहीं होते। बहुत से व्यापारी भाइयों के फोन आते हैं कि गुरुजी ऐसा हुआ तो क्या करना चाहिए। तो उन व्यापारी भाइयों के लिए जा करके मैं कुछ उपाय करता हूँ और वही उपाय मैं आपको भी बता रहा हूँ। आप भी इन उपायों को करें, संस्थान में संपर्क करें, वहाँ से विद्वान आकर के आपके यहाँ उपाय करेंगे, या आप स्वतः करते हैं तो स्वतः करें। सबसे पहले जो पूजा का स्थान आपके घर में बना हुआ है, उस पूजा के स्थान पर श्री कनकधारा यंत्र की आपको स्थापना करना है, वहाँ पर स्थान देना है। तांबे के पात्र में कनकधारा यंत्र, चांदी में कनकधारा यंत्र, जैसे भी आपका भोजपत्र में कनकधारा यंत्र, जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो, कनकधारा यंत्र को स्थापित करिए। अब हम आपको कुछ उपाय बता रहे हैं कनकधारा यंत्र के विषय में ही। 10 तेल के दीपक और 11 शुद्ध घी के दीपक, ध्यान दीजिएगा, 10 तेल के दीपक और 11 शुद्ध घी के दीपक अर्पित करके, अर्थात वहाँ पर जला करके, और अपनी क्षमता के अनुसार, जितनी आपकी सामर्थ्य, जितनी देर आप बैठ सकते हैं, ओम ह्रीम श्रीम कनकधाराय नमः, श्रीम ह्रीम नमः, इस मंत्र का आपको जप करना है। और यदि यह उपाय आप 108 आंवले अर्पित करते हुए करते हैं तो आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा। आपका व्यवसाय यदि कम चलता है, अथवा आपको लगता है कि आपके व्यवसाय को किसी ने बांध दिया है, जिसके कारण आपके दुकान पे ग्राहक कम आते हैं, तो आप अपने व्यवसाय के मुख्य पूजा स्थल पर, व्यवसाय के स्थान पर, दुकान में भी आपने पूजा स्थल बनाया होगा, तो आप उस व्यवसाय स्थान पर जो पूजा स्थल बना रखा है उस पर श्री धनदा, ध्यान दीजिए, श्री धनदा यंत्र को लगाकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रयोग में किसी भी मंत्र की आवश्यकता नहीं है, बस यंत्र आपका अभिमंत्रित होना चाहिए। अब मित्रों, आप सोच रहे होंगे अभिमंत्रित यंत्र आपको कहाँ से प्राप्त होगा, परेशान मत होइए, स्क्रीन पे हमारे नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप संपर्क करिए, आपके घर पर यंत्र पहुँचाए जाएंगे। यदि आप पास में हैं या आप हमारे वैदिक विद्वानों को बुला करके उनके माध्यम से कराना चाहते हैं तो ये 5 से 7 दिन का पूजन होता है, आपके यहाँ पर आकर के यंत्र की स्थापना करेंगे। और यंत्र यदि आप केवल प्राप्त करना चाहते हैं तो यंत्र भी आपको पूर्ण रूप से अभिमंत्रित किए हुए आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। और इसके साथ साथ आप हमारे इस चैनल के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, और उसके साथ साथ अच्छे रोचक जानकारी वाले वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको रोज नए के नए वीडियो प्राप्त हो। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय माँ गंगे।